हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने के लिए ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई ली है 14.5 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, सीना 10.5 इंच एंड कमर के लिए 10 इंच लिया है। अब हम करेंगे इसमें गले की मार्किंग। गले की चौड़ाई रखी है हमने यहाँ पर 2.5 इंच, आप 3 इंच तक रख सकते हैं गले की चौड़ाई। गले की लंबाई रखी है 9.5 इंच। नीचे के साइड से गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को हमें कुछ इस तरीके से मटके जैसा शेप दे देना है। इसी के नीचे एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर लंबाई के लिए। चौड़ाई के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इसे हम कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हमें गले की कटिंग कर लेनी है। देन हमने यहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम अस्तर रखेंगे और एज इट इज गले की मार्किंग कर लेंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी नेक की कटिंग कर लेनी है। अस्तर को अलग करने के बाद हमें पेपर पेस्टिंग के बाहर से भी कट कर लेना है लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा। सबसे पहले अस्तर को ओपन करके रखेंगे, उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख के हम इसे अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। इसके बाद हमें मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख के हम अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे और गले के किनारे एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है गले के किनारे। अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे और इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें अस्तर को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ पलट देना है। देखिए तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से अस्तर को अंदर की तरफ पलट दिया है। अब हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे गले के किनारे फिनिशिंग के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से हमें गले को अच्छे से सेट करते हुए गले के किनारे सिलाई लगा लेनी है। इसे उल्टा करेंगे। अब हम इसमें ऑलराउंडर स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से अस्तरन मेन फैब्रिक को आपस में अच्छे से सिल लिया है। इसके बाद हम इसमें बैक टक्स की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे बैक टक्स की सिलाई भी लगा लेनी है। अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये अस्तर की 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करके ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें एक साइड से सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगानी है। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से गले की डिजाइन बन के रेडी है। इसे साइड में कर देंगे। डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये गोल्डन कलर के 2 फैब्रिक कट करके लिए हैं। इनकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पर
3 इंच रखी है। इसे लंबाई में डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारे एक सिलाई लगाएंगे। अब हमें दोनों पट्टियों को पलट लेना है। पट्टे पलटने के बाद हमें सुई धागा से इसके बीचों बीच में छोटे छोटे से सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम इसमें एक टाइप नोट बना लेंगे और इसके ऊपर एक मोती को टक कर देंगे। हमने यहाँ पर से कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली पट्टी में भी मोती को टक कर लेंगे। इसके बाद ब्लाउज लेंगे और ब्लाउज के ये जो नीचे हमने डिजाइन बनाई है उसमें हमें इन दोनों बो को कुछ इस तरीके से सेट करते हुए रखना है और इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। अब हम इसे सिलाई से पक्का कर लेंगे। पिन को निकाल लेंगे। अब इसे डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक गोल्डन कलर की लेस ली हुई है। लेस को हम गले के बिल्कुल किनारे से इसमें लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसमें लेस को अटैच करना है और जहाँ भी हमारे कॉर्नर आएंगे वहाँ पर हमें लेस को बिल्कुल हल्का सा पलट देना है तो हमारी लेस बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से हमने लेस को लगा लिया है। इसके बाद हम लेस के ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। यहाँ पर हमने लेस की एक लेयर लगा दी है। अब हम इसके किनारे लेस की एक लेयर को और लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से लगानी है हमें दूसरी लेयर लेस की। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी नेक बन के रेडी है। इसके बाद हम इसमें डोरी लगा देंगे। ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।